Hey, Harsh, Tasti Agar Class 10, King Sumerizan, Mast Marama. Please let me know in the comment section. आज की ये वीडियो आपके क्लास 10th के टर्म 1 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 10th के इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के पेपर का राइटिंग सेक्शन पूरा खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, ये आखिरी वीडियो होगी जो आप राइटिंग सेक्शन के लिए देख रहे होंगे। आपने देखा होगा कि सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस आया है पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10th में राइटिंग सेक्शन का सिलेबस क्या है। केवल फॉर्मल लेटर दिया है भाई इस बार सीबीएसई ने, केवल फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में भी कौन से टाइप का फॉर्मल लेटर? एक तो लेटर टू एडिटर इसने दिया है कि भाई तुमसे क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, लेटर टू एडिटर से या तो कंप्लेन लेटर हो सकता है। यही दो लेटर आपको तैयार करने हैं, ठीक है। चलो कंप्लेन लेटर। अब सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो स्टार्टिंग में ही आपके काम आने वाली है। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे राइटिंग सेक्शन के जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, याद रखना उनके लिए फॉर्मेट का याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, चाहे कंप्लेन लेटर हो चाहे लेटर टू एडिटर हो, फॉर्मेट सेम होगा। क्या फॉर्मेट होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखेंगे भाई साहब? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे हम, जी हाँ एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिसीवर्स एड्रेस। इतना याद है ना? बिल्कुल याद होगा। पहली लाइन में जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस, फिर डेट जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो, फिर रिसीवर्स एड्रेस आप जिसे भेज रहे हो। याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं भाई कि हम लेटर लिख किस लिए रहे हैं। ये चार चीज याद रखो, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो लेटर के बेस पर होंगे वो कर ले जाओगे, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इतना याद रहने वाला है कि शुरुआत की पहली लाइन सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस एंड देन सब्जेक्ट। ये चार ऐसे लाइन में होते हैं, गॉट इट। चलो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो लेटेस्ट एमसीक्यू पैटर्न है उसी पर बेस्ड है। हमने पांच अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं, सभी आपके कंप्लेन लेटर और लेटर टू एडिटर दोनों से मिक्स करके लिया है, ठीक है। इन क्वेश्चन को करते हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को कर लिया ना, एग्जाम में डायरेक्ट जाओगे, करके आओगे, दैट्स माय गारंटी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंप्लीट द लेटर बाय फिलिंग इन द स्पेसेस बिलो। देखो अब यहां पर ना आपको लेटर लिखना नहीं है, यहां पर लेटर ऑलरेडी लिखा गया है, बस कुछ वर्ड्स छूट गए हैं जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, और वो भी ऑप्शन से चूज करके। ये देखो नीचे ऑप्शन लिखा गया, कितना आसान है ना। चलो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि भाई साहब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि द अनसैनिटरी कंडीशन इन योर कॉलोनी आर कॉजिंग मल्टीपल डिजीजेस, यानी तुम्हारी कॉलोनी बहुत ही घटिया है, बहुत ही गंदी है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, लेटर लिखा है, बस आपको क्या करना है, फिल इन द स्पेसेस बिलो टू कंप्लीट लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम टू हिज नोटिस एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक अर्जेंट एक्शन इन मैटर। आपको क्या करना है? लेटर लिखा गया है, ये लेटर म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखा गया है, आपको जहां पर खाली स्थान है बस उसको फिलअप करना है ऑप्शन से चूज करके, ठीक है। और तुम्हारा नाम रविंद्र है, या लड़की हो तो रानी हो तुम, राजा की रानी, समझ गए ना। चलो B1244 ये मकान नंबर है, अंकुर विहार सोसाइटी का नाम है, लोनी गाजियाबाद, ये पूरा एड्रेस है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए कि भाई तुम्हारे लोकेलिटी में बहुत ज्यादा गंदगी है, इसके लिए आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है। लेटर लिखा गया है, बस ऑप्शन से चूज करके कुछ वर्ड्स को फिलअप करना है ना। आसान? बिल्कुल आसान है मेरे भाई, ये पैटर्न तो बिल्कुल हलवा है। चलो पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं कहां पर खाली है, ये सबसे ऊपर वाली लाइन। मैंने क्या बताया था, सबसे पहली लाइन किसकी होती है? सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर को लिख रहा है। लेटर को कौन लिख रहा है? रविंद्र या रानी। ये पूरा जो एड्रेस है ये पहली लाइन में आनी चाहिए, जिसमें से लोनी गाजियाबाद तो ऑलरेडी लिखा गया। ये देखो लोनी गाजियाबाद, ये दोनों लिखा गया है, बस हमें क्या लिखना है, कमरा नंबर और ये सोसाइटी का नाम, ठीक है। चलो ऑप्शन चूज करो, क्या सही होगा? पहले का क्या सही होने वाला है? अंकुर इंक्लेव B1244, नहीं इंक्लेव नहीं है, यहां पर क्या लिखा गया है? अंकुर विहार लिखा गया है ना, तो इंक्लेव कहां से आ जाएगा? तो पहला तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा देखते हैं, अंकुर विहार B1244। मैं आपको बता दूं कि पहले हम सोसाइटी का नाम कभी भी नहीं लिखते हैं, पहले हम घर का नाम मकान नंबर लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सा है, मकान नंबर कहां है? ये
B12 44 अंकुर विहार कॉलोनी का नाम, फिर इसके बाद लोनी, फिर इसके बाद गाजियाबाद, जो भी आपको लिखना है ये लिख सकते हो, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें क्या भरा जाएगा, चलो मैं तुमको फिल करके दिखा देता हूं। यहां पर क्या भरोगे आप, B12 44 ठीक है, अंकुर विहार आप ये भरने वाले हो। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा देखते हैं। अब हमने यहां से यहां सेंडर्स एड्रेस, बीच में क्या लिखना था, डेट, मैंने बताया था ना सेंडर एड्रेस के बाद क्या होता है, डेट लिखना है भाई। चलो सेकंड ऑप्शन चूज करो, क्या है, कैसे लिखोगे डेट, क्या कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है डेट लिखने का, पहले 20th अगस्त, उसके बाद 2000 जो भी आएगा, 20th अगस्त 2000 जो भी आएगा, अगस्त 20 या 20 अगस्त, बताओ कौन सा सही होने वाला है। देखो सबसे पहले कभी भी हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, हम कभी भी TH नहीं लगाते हैं डेट लिखते टाइम लेटर में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत है। आपको मैं बता दूं करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, पहले मंथ लिखा जाता है, पहले मंथ, फिर आता है हमारा डेट, ठीक है, फिर आता है हमारा ईयर। देख लो इसमें किसमें लिखा गया है, पहले मंथ, डेट और ईयर, तो हमारा करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, अगस्त 20 2021 चल रहा है ना, तो 2021 लिख देंगे हम। यहां पर क्या लिखेंगे, अगस्त 20 2021, समझ में आ गया कैसे लिखेंगे, बिल्कुल। चलो थर्ड ब्लैंक को देखते हैं। चलो भाई हमने सेंडर्स एड्रेस लिख लिया, डेट लिख दिया, रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया, अब क्या लिखना है यहां पर थर्ड। चलो पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं थर्ड, हाँ सैल्यूटेशन क्या लिखोगे, डियर सर मैडम क्या लिखोगे। चलो कौन सा सही है, ये वाला तो बिल्कुल सही नहीं है, क्यों, क्योंकि डी हमारा स्मॉल लेटर में है, कभी भी सैल्यूटेशन का पहला वर्ड स्मॉल लेटर में नहीं होता, ये नहीं होगा। डियर सर मैडम क्या ये सही है, नहीं, इसमें भी स्मॉल लेटर में है, ये भी नहीं होगा। देखो इसमें ये तो है कैपिटल में, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, हाँ बिल्कुल ये वाला सही होने वाला है। इसमें देखो ये भी स्मॉल है, स्मॉल है, तो हमारा सही कौन सा है, तीसरे का। सैल्यूटेशन लिखने का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, पहला वर्ड, पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में, डियर सर का एस, मैडम का एम, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ अंकुर विहार, मतलब लेटर लिखा गया है, कह रहा है कि मैं अंकुर विहार का रहने वाला हूं, लोनी गाजियाबाद, मैं 8 साल से यहां पर रह रहा हूं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस। अब नोटिस के बाद क्या क्या नोटिस में लाना चाहते हो, पहला सैनिटरी कंडीशन इन योर कॉलोनी, दूसरा कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, तीसरा कॉलोनीज कंडीशन, चौथा आवर कंडीशन सैनिटरी। अब देखो पढ़ लेते हैं भाई कि हम लेटर लिख किस लिए रहे हैं, यहां पर लिखा गया है ना, क्या लिखा गया ये देखो, अनसैनिटरी कंडीशन, मतलब हमारा जो मोहल्ला है वो एकदम गंदगी से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, फटाफट बताओ, यही पहला वाला आई थिंक। ये देखो द सैनिटरी कंडीशन इन आवर कॉलोनी इज बैड, ठीक है। चलो तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, नहीं, लोकेलिटी की कंडीशन की बात नहीं हो रही है, लोकेलिटी में जो गंदगी है उसके कंडीशन की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आवर कंडीशन सैनिटरी ये कुछ मतलब नहीं निकाल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वन इज आवर करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आई थिंक ये लास्ट वाला है, ठीक है, ये लास्ट वाला है, हाँ। यहां पर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ना योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स लविंगली, तो भाई जब फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं तो हम इन चारों में से किसका यूज करते हैं, क्या हम योर्स सिंसियरली लिखते हैं, योर्स फेथफुली लिखते हैं, फेथफुली योर्स लिखते हैं, या नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव तो बिल्कुल है नहीं, फेथफुली योर्स भी कर नहीं सकते क्योंकि भाई गलत लग रहा है, पहले योर्स होता फिर फेथफुली होता तो कुछ समझा जा सकता था, और फेथफुली हम उसके लिए यूज करते हैं जो हमारा रिलेटिव हो, किसी अनजान व्यक्ति के लिए तो फेथफुली नहीं, बल्कि सिंसियरली और ट्रूली दिया गया होता तो इसका यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे, हमेशा याद रखना फॉर्मल लेटर में केवल दो सैल्यूटेशन, पहला सिंसियरली, दूसरा ट्रूली, ठीक है। जब भी लिखोगे योर सिंसियरली, योर ट्रूली, बस योर फेथफुली, लविंगली, ये सब नहीं लिखा जाता है। इज इट ओके, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, लेटर पर बेस्ड था, कितनी आसानी से हमने कर लिया। चलो दूसरे क्वेश्चन को करेंगे फटाफट, दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। भाई आपके पास इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हैं, करना आपको केवल 5 है। सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ो,
क्वेश्चन पढ़ो. यू आर रिजवान अली, तुम्हारा नाम रिजवान अली है. तुम कहां रहते हो? कमरा नंबर 456, रजौड़ी गार्डन, न्यू दिल्ली. ये तुम्हारा पूरा एड्रेस है. यू हैव टू राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली. अब आपको क्या करना है? एक लेटर लिखना है. किसको लिखना है? एडिटर को लिखना है. कौन से एडिटर को? न्यूज़पेपर का नाम है नेशनल डेली, इसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखना है. और क्या करवाना है? लेटर के माध्यम से कंसर्न्ड अथॉरिटीज, मतलब जो ऑफिसर लोग हैं, उनका ध्यान खींचना है किस तरफ? डेटरियोटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, मतलब तुम जिस शहर में रहते हो वहां का जो कानून व्यवस्था है बहुत खराब है. चोर गुंडे इधर उधर सड़क पर घूम रहे हैं, मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चोरी हो रही है, छिनैती हो रही है. तो भाई आपको यही कंडीशन लेटर लिख के नेशनल डेली के एडिटर को बताना है. ठीक है, समझ में आया? चलो, तो लेटर तो ऑलरेडी लिखा गया है. अब आपको क्या करना है? आपको बस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग द लेटर. कह रहा है कि जब हम फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्या हम रिसीवर्स एड्रेस, फिर सेंडर्स एड्रेस या डेट, या पहले डेट फिर रिसीवर एड्रेस फिर सेंडर एड्रेस, या सेंडर एड्रेस डेट फिर रिसीवर एड्रेस, या नन ऑफ द अबव. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है यार, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैंने बताया है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है. पहले होते हैं भैया सेंडर का एड्रेस, फिर आता है हमारा डेट, फिर क्या आता है? रिसीवर का एड्रेस, मतलब जिसे हम लेटर लिख रहे हैं. तो देख लो, सेंडर, डेट और रिसीवर, सेंडर, डेट और रिसीवर, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है. समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही. आपको लेटर लिखने को नहीं आएगा, लेकिन लेटर से रिलेटेड हर एक पॉइंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा होगा, जैसे यहां पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू को करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर. आपने देखा कि हम लेटर किस लिए लिख रहे हैं? शहर में कानून व्यवस्था थोड़ा खराब हो गई है, डेटरियोट हो गई है. डेटरियोट का मतलब होता है खराब हो जाना या बिगड़ जाना. ठीक है, तो सब्जेक्ट तुम्हें पता होना चाहिए. अब देखो चारों में से कौन सा अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है ये देखते हैं. क्या हम लिख सकते हैं डेटरियोटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी? चलो कुछ कुछ सही लग रहा है. लॉ एंड ऑर्डर इज डेटरियोटिंग इन द सिटी. नहीं, सब्जेक्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद लोग लेटर भी पढ़े. आप सब्जेक्ट में ही पूरा चीज बता दे रहे हो कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहां खराब हो गया है. ये कोई सब्जेक्ट हुआ क्या? नहीं. सिटी इज अफेक्टेड बाय बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. नहीं, ये भी नहीं कर सकते. ये तो एक तरीके का न्यूज दे रहे हो आप. ठीक है, कि हमारा शहर खराब कानून व्यवस्था से गुजर रहा है, तो ये सब्जेक्ट थोड़ी हुआ. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इन सिटी इज नॉट गुड. अब ये भी तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हुआ. सब्जेक्ट कौन सा है? पहला वाला. क्या सब्जेक्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दे. देखो पढ़ के लग रहा है ना, डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, मतलब हमारे शहर में कानून व्यवस्था धीरे धीरे खराब हो रही है, इसी के बारे में लेटर लिखना है. तो भाई जो लेटर को पढ़ेगा वो देखेगा कि हाँ सब्जेक्ट ये है, नीचे लेटर होगा. ठीक है, समझ में आया? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट वाला. ठीक है. Hey dear learners, hope you all are preparing well for your term one examination. और आपको इतना तो पता ही होगा कि इस बार आपका जो term one examination होने वाला है उसका paper pattern बिल्कुल हट के आने वाला है. जी हाँ, और आप अपनी term one की preparation कर रहे हो, इसमें आपको doubts भी आते होंगे, तो क्या किया जाए? Unacademy इसी के लिए लेकर आया है आपके लिए comprehensive preparation package, जिसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. और अपने आने वाले एग्जाम के लिए इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम के मॉक टेस्ट से प्रिपेयर कर सकते हो. जी हाँ, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपके पास चांस है कि आप 50 लाख तक के इनाम जीत सकते हो. जो टॉप रैंकर्स होंगे इस टेस्ट में, उनको मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, आईफोन 12, वन प्लस 9, लैपटॉप, हेडफोन्स, अनअकैडमी के ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज भी दिए जाते हैं. भाई ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये क्लास 10th एंड 12th के लिए होगा. ये अगर आपके बड़े भैया हैं, आप क्लास 9th में हो, आपके बड़े भैया हैं या आपकी कोई बड़ी दीदी है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि भाई ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है. 27 टू 30 नवंबर के बीच में 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये टेस्ट चलेगा. अब कौन से दिन, कितने टाइम, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, आप पीछे बैनर पे देख सकते हो. और केवल इतना ही नहीं, आपको अगर किसी भी तरीके की डाउट भी आती है ना, तो आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो. अगर आप अपने
10 डाउट्स अनअकैडमी के आस्क अ डाउट से पूछते हो ना, तो आपको 15 दिन का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाता है। और ये ऑफर केवल सीबीएसई 6 to 12, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी जेई, नीट और एनटीएससी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ही है। अगर आपको अनअकैडमी आस्क अ डाउट यूज करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, आपको AAD अनअकैडमी आस्क अ डाउट अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन, अपलोड इट, आपको सब्जेक्ट पूछेगा कौन से सब्जेक्ट का ये डाउट है, सब्जेक्ट बताओ, यू विल गेट योर आंसर। सो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको मॉक टेस्ट में एनरोल करने का लिंक मिल जाएगा। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक और फ्री में इस मॉक टेस्ट को अनलॉक करो। मेरा कोड है PREM, आप इसी कोड का यूज करके अनअकैडमी से किसी भी तरीके की परचेसिंग 10% डिस्काउंट पे कर सकते हो। सो गो एंड एंजॉय। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस टू स्टार्ट राइटिंग द लेटर। इस लेटर को लिखने के लिए जो सबसे पहली लाइन होनी चाहिए वो इन चारों में से कौन सी होनी चाहिए। पहला, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक है, कुछ कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यहां पर गलत है कि भाई आपको न्यूज़पेपर के एडिटर का अटेंशन नहीं खींचना है, आपको इस विभाग से जुड़े जो ऑफिसर्स हैं उनका अटेंशन खींचना है। तो तुम योर अटेंशन नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि तुम भाई न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो ना, तो भाई ऐसा लगेगा कि तुम उसका ध्यान खींचना चाहते हो। वो क्या कर लेगा बेचारा, वो तो बस ज्यादा से ज्यादा पेपर छाप सकता है ना। चलो तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, थ्रू दिस लेटर आई विश टू ब्रिंग टू द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। देखो यहां पर कह दिया है ना कि भाई इस लेटर को मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इससे जुड़े अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहता हूं, ये कुछ कुछ सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज ऑफ माई कंसर्न टू द माई कंसर्न, क्या ये पूरे सोसाइटी का कंसर्न है, तुम्हारा कंसर्न थोड़ी है। तो तीसरा भी नहीं होगा, चौथा ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड का, B1 इज आवर करेक्ट आंसर। हम इस लेटर को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं इस लाइन से, थ्रू दिस लेटर आई विश टू ब्रिंग टू द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई विच ऑप्शन शुड रिजवान सेलेक्ट, विच ऑप्शन शुड रिजवान सेलेक्ट टू एलाबोरेट ऑन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल इन सिटी। मतलब भाई खराब कानून व्यवस्था से लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रही है ये आपको बताना है। देख लो कौन से चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में पूरा बताया गया है। चलो, जब लॉ एंड ऑर्डर मतलब कोई कानून व्यवस्था खराब होती है तो क्या क्या होता है, रेप होते हैं, मोलेस्टेशन होते हैं, मर्डर केस इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल, चलो ये तो सही है कि भाई जहां पर कानून नहीं है वहां पर मर्डर वर्डर होता है, रेप होता है, छेड़छाड़ होती है। दूसरा, लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, पीपल आर अनसेफ, हाँ ये भी हो सकता है। टेररिस्ट आर फियरलेस, मतलब जो गुंडे मवाली लोग हैं वो बिना डर के इधर उधर घूम रहे हैं, हाँ इसका तीनों पॉइंट सही है। इसका मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है किडनैपिंग के केस कम हो गए। भाई कानून व्यवस्था खराब हो गई है तो किडनैपिंग बढ़ेगी कि घटेगी, समझ रहे हो ना? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द कंक्लूडिंग लाइन एप्रोप्रियटली। अभी हमने लेटर स्टार्टिंग के लाइन को पढ़ा, अब लेटर किस लाइन से खत्म होगा उस लाइन को चूज करना है। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू व्हाट, टू टेक केयर ऑफ सच थिंग्स इन द सिटी। टेक केयर की तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा लग रहा है आप ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, कभी भी फॉर्मल लेटर में आपका जो टोन होगा वो केवल फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल टोन नहीं होना चाहिए। टेक केयर क्या है, ये इनफॉर्मल टोन है। ठीक है, हम अपने प्यार करने वालों को बोलते हैं कि भाई अपना ख्याल रखो, तो टेक केयर नहीं होगा। बी, लुक इनटू द मैटर, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी अगेंस्ट इट। हाँ ये सही हो सकता है कि भाई मैं इस विभाग से जुड़े अधिकारियों से प्रार्थना करता हूं कि वो इस मामले को समझें और जरूरी कदम उठाएं। हाँ ये वाली लाइन बिल्कुल परफेक्ट होगी, B1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, अरेस्ट सच टेररिस्ट एंड नोटोरियस पीपल, नहीं ये भी आप ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, ड्रॉ देयर अटेंशन टू दिस मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सिटी, ये भी इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई हमने 6 क्वेश्चन में 5 करने थे, हमने 5 कर लिए हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। टोटल 5 क्वेश्चन है और 5 अलग अलग वेराइटी के हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन चलते हैं।
आंसर एनी फाइव ऑफ द, भाई वीडियो के लास्ट में ना एक ऐसी जबरदस्त टिप दी है मैंने कि आप ऐसे क्वेश्चन आए या लेटर के कैसे भी क्वेश्चन आए आप चुटकियों में कर लोगे, वीडियो के लास्ट तक बस बने रहो, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर एनी फाइव, आपको वही छह क्वेश्चन दिए हैं, करने पांच हैं। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। राइट ए लेटर टू ऑक्सफर्ड पब्लिशिंग हाउस जो कि लंदन में है। अच्छा जी लंदन, चलो ठीक है। आपको क्या करना है, कंप्लेनिंग दैट द बुक सेंट बाय देम वर नॉट दोज यू हैव ऑर्डर्ड फॉर। ओ माय गॉड, लंदन वालों ने घपला कर दिया। क्या है आपको लेटर लिखना है, किसको, ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस को, और उनसे कहना है कि भैया हम जो लेटर हम जो बुक ऑर्डर किए थे आपने गलत भेज दिया है, हमको कोई और बुक चाहिए था, आपने कोई गलत बुक भेज दिया है। अब आपको उनसे ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि यार बदल दो यार, ठीक है, अब गलत बुक दे दी हो तो बदल भी दो। उसके बाद तुम कौन हो, तुम वरुण जोशी हो, सेक्टर 20 में रहते हो, कहां पर, चंडीगढ़ में। तो ये है हमारा क्वेश्चन, मतलब कि तुमने कोई बुक ऑर्डर करा था, ठीक है, गलत बुक आ गई है, आपको दोबारा लेटर लिखना है, कंप्लेन लेटर लिखना है, उस शॉपकीपर को कहना है कि भाई साहब आपने गलत बुक भिजवा दी है, सही बुक भिजवाइए, इसको रिप्लेस करिए, इसको वापस ले जाइए, वो वाला हमको दीजिए, ठीक है। तुम्हारा नाम वरुण जोशी है, इस लेटर को लिखते टाइम याद रखना, सेक्टर 20 में रहते हो, चंडीगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया, फॉर्मल लेटर है। चलो फटाफट क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राइट सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाले का पता लिखने का सबसे सही तरीका क्या है। देखो कभी भी जब एड्रेस लिख रहे हो ना तो सबसे नजदीकी एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे तुम्हारा कोई हाउस नंबर है तो हाउस नंबर तुम्हारा सबसे पहले आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई सोसाइटी का नाम है तो सोसाइटी का नाम तुम्हारा दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। मान लो तुम्हारा कोई और उससे बड़ा कोई पोस्ट है तो पोस्ट का नाम तीसरे नंबर पर आएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा या स्टेट का नाम आएगा, ठीक है। मतलब छोटे से बड़े पर चलते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो सेंडर्स एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या है, मान लो तुम एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हो तो सबसे छोटा तो एग्जामिनेशन हॉल ही हुआ, फिर चंडीगढ़, फिर सेक्टर 20, नहीं गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल मान गए सबसे छोटा है, फिर चंडीगढ़ बड़ा आ गया, ठीक है, सेक्टर 20 आना चाहिए था ना इसके पहले, बिल्कुल सेक्टर 20 पहले आ गया, ये भी गलत है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल सेक्टर 20 चंडीगढ़, देखो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब तुम लेटर लिख रहे हो कहां से, एग्जामिनेशन हॉल से, तो सबसे नजदीक तुम्हारे पास कौन सा पता है, एग्जामिनेशन हॉल। फिर एग्जामिनेशन हॉल कहां पर है, सेक्टर 20 में, सेक्टर 20 कहां है, चंडीगढ़ में, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट सेंडर्स एड्रेस। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। आपने पूरा लेटर पढ़ लिया, किस बारे में लेटर लिखना है कि भाई साहब आपने गलत बुक भिजवा दी है, सही बुक भिजवाइए, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लेंट रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स, मतलब मैं कंप्लेन कर रहा हूं कि मुझे गलत बुक्स आ गई हैं। दूसरा, रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स वॉज रिसीव्ड, ठीक है, तो अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये इनकम्प्लीट लाइन है, रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स वॉज रिसीव्ड, ये समझ लो एक आंसर हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं होगा। मैंने बताया ना सब्जेक्ट कौन हो सकता है, जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि हाँ बंदे को सचमुच दिक्कत है, ठीक है। वी रिसीव्ड रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स, ये भी तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि भैया हमारे पास गलत बुक आ गई है, क्या करें हम, कुछ नहीं, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट। कंप्लेन रिगार्डिंग पुअर डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम गलत नहीं था, डिलीवरी एकदम बराबर था, बस भेजने वाले की गलती थी कि गलत बुक भेज दिया। तो आई थिंक इन चारों में से पहला वाला सही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि भैया साफ साफ बहुत ही फॉर्मल टोन में लिखा गया है कि सब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लेन रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स, मतलब मैं कंप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे गलत बुक्स मिल गए हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड देखते हैं, व्हाट शुड वरुण अटैच विद दिस लेटर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स। अब देखो आप बुक लौटा रहे हो तो भाई बुक को लौटाते टाइम आपको कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा उस शॉपकीपर को, वो डॉक्यूमेंट कौन सा है। क्या आपको केवल किताबों का नाम भेज दोगे तो वो दे देगा, नहीं, ठीक है। दूसरा, अटैच्ड कॉपीज ऑफ ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट, मतलब आपने जब पैसा ट्रांसफर किया है तो उस पैसे का डॉक्यूमेंट चाहिए, हाँ ये तो चाहिए ही चाहिए, और क्या चाहिए, देखते हैं आगे देखते हैं।
हमें और क्या चाहिए, रिसिप्ट ऑफ बुक्स रिसीव्ड, हाँ कितने बुक्स रिसीव्ड हुए हैं उसका रिसिप्ट भी हमें चाहिए। बोथ बी एंड सी मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए वाला तो बिल्कुल होगा नहीं। आप बुक की लिस्ट भेजो या ना भेजो, आपने पहले ही भेज दी है तो वही बुक आने वाली है, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो फोर्थ पर चलते हैं। कह रहा है कि इफ पब्लिशर रिफ्यूज टू रिप्लेस द बुक What would you do? कह रहा है कि मान लो जिस दुकानदार से तुम कह रहे हो कि भैया तुमने गलत बुक भिजवा दी है, सही बुक भिजवाओ इसको लौटा कर, मान लो उसने बुक नहीं भिजवाई, तो आप क्या करोगे या आप क्या कर सकते हो? क्या आप उसके खिलाफ FIR लिखवाओगे पुलिस स्टेशन में? क्या आप उसे धमकियां दोगे फोन करके? क्या आप कंज्यूमर केयर फोरम में जाओगे और उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाओगे, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप इन सब मामलों में जहां पर शॉपकीपर और कस्टमर की बात हो ना, इन सब मामलों में एक अलग कोर्ट बनाया गया है जिसको हम कंज्यूमर केयर फोरम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जब कोई दुकानदार आपके साथ ठगी कर रहा हो या गलत कर रहा हो, तो आप कंज्यूमर केयर फोरम में जा सकते हो, उसके साथ शिकायत लिखवा सकते हो, समझ गए। चलो सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है, आप इसे अपने मन से कर लेना, ठीक है। बहुत इजी है। पूछ रहा है कि भाई वरुण की जो दिक्कत है, वरुण की क्या दिक्कत है कि वरुण को गलत बुक्स रिसीव हो गई हैं, उसने मंगाए कुछ और थे और आ कुछ और गया है। तो भाई इस चीज को दिखाने के लिए इन चारों में से कौन सी लाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो नीचे से देखते हैं, यू सेंट मी रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स, नहीं ये तो इनफॉर्मल टोन हो गया, ठीक है। कह रहा है कि तुमने मुझे गलत बुक भिजवा दी है, मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, अब ये तो लेटर लिखने का तरीका थोड़ी होता है, तो ये तो गलत है। दूसरा, आई रिसीव्ड रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स फ्रॉम योर साइड, ये भी नहीं, ठीक है। तीसरा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू रिसीव द रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स, ये भी नहीं। चौथा, यस टू माई डिसमे, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, क्यों? क्योंकि मुझे वो बुक रिसीव हुई जो मैंने ऑर्डर किया था, मतलब मुझे वो बुक नहीं मिली जो मैंने ऑर्डर किया था, उसकी जगह पर मुझे वो बुक मिल गई जो मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है। तो भाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। छठा भी देख लेते हैं कि हम ये जो लेटर लिख रहे हैं ये कौन सा लेटर था, फॉर्मल लेटर था, इनफॉर्मल था, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव? ऑब्वियसली इट वाज अ फॉर्मल लेटर। कंप्लेन लेटर एक फॉर्मल लेटर में आता है, याद रखना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, वही हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। यू आर संजीत, तुम्हारा नाम संजीत है, कमरा नंबर 122 में रहते हो, अर्जुन नगर सोसाइटी है, नई दिल्ली तुम्हारा स्टेट है, इस जगह पर तुम रहते हो, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस हो गया, ये क्या है, ये है भैया भेजने वाले का पता, ठीक है। लेटर लिखा क्यों जा रहा है, अ नंबर ऑफ स्कूटर एंड कार्स आर पार्क इन योर लोकेलिटी विथआउट एनी ऑर्डर। कहा जा रहा है कि तुम्हारे मोहल्ले में बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग में लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से रास्ता जाम हो जाता है। आपको सेक्रेटरी को लेटर लिखना है और क्या कहना है, सेक्रेटरी ऑफ रेसिडेंट्स एसोसिएशन, मतलब जो मोहल्लों का देख रेख करने के लिए जो सेक्रेटरी होता है, उसको आपको लेटर लिखना है और इस प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन करना है और कहना है कि भाई साहब रोज रोज रास्ता ब्लॉक हो जाता है, आप इस प्रॉब्लम का कुछ करिए, ठीक है। लोग अपनी स्कूटर बाइक कार रास्ते पर ही खड़ी कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक लग जाता है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट। यहां पर आता है असली चीज। कह रहा है कि भाई डेट लिखने का सही तरीका क्या होता है। मैंने अब भी बताया, इसी वीडियो में बताया था कि डेट कैसे लिखते हैं, पहले मंथ, फिर डेट, फिर हमारा आता है ईयर, ठीक है। मंथ, डेट और ईयर, मंथ, डेट और ईयर, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड संजय नीड टू स्टार्ट राइटिंग द लेटर। लेटर लिखते समय संजय को इन चारों में से किसकी जरूरत पड़ेगी? क्या जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसके कॉन्टैक्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी? नहीं। पत्र लिखा जा रहा है तो कॉन्टैक्ट नंबर क्यों चाहिए? तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, रिसीवर्स ऑक्यूपेशन, मतलब जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो क्या काम करता है, ये पता होना चाहिए? नहीं। क्या रिसीवर्स एड्रेस? हाँ बिल्कुल, ठीक है। केवल लेटर लिखते टाइम हमें रिसीवर के एड्रेस से मतलब होता है, सिग्नेचर भी नहीं चाहिए, रिसीवर्स ऑक्यूपेशन भी नहीं चाहिए, रिसीवर्स कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं चाहिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रिसीवर्स एड्रेस। यानी संजय जब लेटर को लिखेगा ना, तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, कहां पर लेटर जा रहा है उसका एड्रेस चाहिए, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस टू स्टार्ट राइटिंग द लेटर। लेटर समझ गए किस लिए है, क्योंकि भाई तुम्हें कंप्लेन करना है कि तुम्हारे मोहल्ले में बहुत सारे स्कूटर और कार पार्क कर दी जाती हैं रास्ते में, जिसकी वजह से रास्ता जाम हो जाता है, ठीक है। अब लेटर स्टार्ट करना है, पहली लाइन क्या होगी? आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन टू द बैड पार्किंग हैबिट्स ऑफ, बैड पार्किंग हैबिट्स ऑफ व्हाट?
रेसिडेंट्स इन आवर लोकेलिटी। चलो ये भी सेंटेंस हमारा कुछ हद तक सही है, कह रहा है कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं किस तरफ, बैड पार्किंग हैबिट, मतलब हमारे मोहल्ले वालों का जो पार्किंग करने का तरीका है वो बहुत गलत है। ठीक है, चलो ये तो सही हो सकता है। दूसरा देखते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट द ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रीट बाई अनवॉन्टेड व्हीकल्स। चलो तो आप ये वाली लाइन थोड़ी सी कम फॉर्मल लग रही है, ये डायरेक्ट टोन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुमने बस बता दिया है कि मैंने ये लेटर लिख रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि मेरा सड़क जाम हो गया है, कुछ अनवांटेड मतलब अनचाहे गाड़ी और घोड़े लोग आ जाते हैं, मतलब वही स्कूटर कार की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अनवांटेड व्हीकल्स तो है नहीं। चलो सी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द हैवी ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रीट, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें बताया नहीं गया ना कि क्यों रास्ता जाम होता है। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ही वाला। पहला वाला ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि आपका पहला लाइन क्या होगा। पहला लाइन ये हो सकता है, आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन टू द बैड पार्किंग हैबिट्स ऑफ रेसिडेंट्स इन आवर लोकेलिटी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय सोसाइटी मेंबर्स ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रीट, मतलब रास्ता जाम होने से सोसाइटी के लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रही है। वन व्हीकल ऑक्युपाइज स्पेस फॉर 2-3 व्हीकल, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू फाइंड पार्किंग स्लॉट्स, इंड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन एंड टेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ अबव होगा, बट ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय सोसाइटी मेंबर्स, हाँ बिल्कुल, मतलब गाड़ी सही तरीके से पार्क नहीं होती जिसकी वजह से एक गाड़ी 2-3 गाड़ियों के पार्किंग का जगह ले लेती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। दूसरा, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू पार्किंग फ्लाइंट्स, और बिल्कुल जब पूरा पार्किंग स्लॉट भरा हुआ है तो पार्किंग के लिए दूसरी गाड़ियों को जगह ढूंढने में टाइम लगेगा, ये भी है। तीसरा, मतलब लोग परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लेटर खत्म करने के लिए एप्रोप्रिएट लाइन कौन सी होगी। पहला, आई होप यू विल टेक केयर ऑफ दिस इशू, गलत, ऐसा लग रहा है तुम ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, ये फॉर्मल टोन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, इफेक्टिव एंड स्पीडी एक्शन इज एक्सपेक्टेड कंसीडरिंग द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन, मतलब कह रहा है कि कोई असरदार और जल्द से जल्द इस सिचुएशन पर ध्यान दिया जाए क्योंकि ये मामला गंभीर है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। दूसरा, तीसरा देखते हैं, आई होप दैट कंसर्न अथॉरिटीज विल ड्रॉ देयर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स इट, ये भी नहीं है क्योंकि कंसर्न अथॉरिटीज से यहां पर कोई मतलब नहीं है। यहां पर तुम जिसको लेटर लिख रहे हो, सेक्रेटरी को, बस उसी से मतलब है, इसलिए हम यहां पर कंसर्न अथॉरिटीज नहीं लिखेंगे। ठीक है, बोथ बी एंड सी नहीं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, मतलब आपको जो चारों में से सही लग रहा है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, उचित, कौन सा उचित लग रहा है। देखो सही होने को तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन आप इन दोनों को पढ़ के देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि ऊपर वाला थोड़ा परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, इफेक्टिव एंड स्पीडी एक्शन इज, जितना जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज कर सकते हो अपने लेटर में ना, करो, इट विल मेक योर लेटर एफेक्टिव एंड अ स्कोरिंग लेटर। गॉट इट। चलो, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यू आर देबाश्री, अ रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी आसाम, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली ड्रॉइंग अटेंशन। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके इस बार के सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया है, ये क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में इकलौता यही क्वेश्चन दिया गया है, तो मैंने ऑलरेडी इसे करा रखा है। ऊपर इंफॉर्मेशन बटन पर क्लिक करो, वीडियो को ओपन करो, वो पूरा सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करा है, उसमें राइटिंग सेक्शन में जाके आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन और ट्रिक्स को देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू हैव लव्ड दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो शुड हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि भाई इसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। भाई बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आपके इस बार के टर्म 1 के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, सो बी रेडी, प्रैक्टिस हार्ड। इस वीडियो की जो पीडीएफ लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सत श्री अकाल और जय हिंद।